नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। जिस तरह से पिठौरिया के ऋचा भारती मामले को लगातार सरगर्मी तेज हो रही थी, अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि कल शाम ऋचा भारती महिला आयोग पहुंची थी, जहां उन्होंने अन्याय की गुहार लगाई थी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है और वो उन लड़कों पर भी कार्रवाई की मांग करती हैं। लेकिन जिस तरह से वो महिला आयोग पहुंची, उसके ठीक बाद ही न्यायालय ने अपना फैसला वापस ले लिया है। आपको बता दें कि जो थानेदार थे वो न्यायालय पहुंचे थे, उन्होंने जज से गुहार लगाई कि जिस तरह से ऋचा भारती को 5 कुरान की प्रतियां बांटने का जो आदेश दिया गया है, उस पे न्यायालय पुनर्विचार करे, क्योंकि हम ये नहीं करवा सकते। इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनकी मानसिकता पर असर पड़ रहा है और लगातार लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो जज ने इस पर पुनर्विचार किया और जो 5 कुरान की प्रतियां बांटने के आदेश थे उसे वापस ले लिया है। बाकी जो आदेश दिए गए थे वो उसी तरह रहेंगे और उसका पालन ऋचा भारती को करना होगा। और ऋचा भारती से जब इस मामले में पूछा गया कि जिस तरह से कुरान की प्रतियां उन्हें बांटने के लिए कही गई थी, वो नाराजगी जता रही थी, अब न्यायालय ने इसे वापस ले लिया है, तो उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि न्यायालय का वो तब भी सम्मान करती थी जब न्यायालय ने आदेश दिया था और आज वो सम्मान करती हैं न्यायालय के आदेश का कि कुरान की प्रतियां उन जो बांटनी थी वो वापस ले लिया गया है। लोगों में खुशी भी है क्योंकि न्यायालय ने जिस तरह से अपनी इसमें आदेश दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं सारे लोग खुश हैं कि ये आदेश वापस ले लिया गया है। कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच एक मानसिकता उभरी थी, चाहे विश्व सनातन संघ के लोग थे, उनका कहना था कि हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। आज हमें बोला जा रहा है कुरान की प्रतियां, कल इस्लाम और ना जाने क्या क्या लोगों के मन में आ रहा था, और इन सब पे जैसे ही न्यायालय का आदेश आया इन सब चीज़ों पर अंकुश लग गया है। मनीष कुमार सिंह जिनकी अदालत से ये आदेश पारित हुआ है, कुरान बांटने की बात हुई है, ये बात खाली आज की नहीं है। मनीष कुमार सिंह जी की अदालत से हम अधिवक्ताओं के साथ में शुरू से दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, जिसकी शिकायत न्यायुक्त महोदय के पास पहले भी हम लोगों ने दी थी, उसको बुलाकर समझाने की बात की गई थी। नतीजा क्या होता था कि जो शिकायतकर्ता होते थे उन्हीं के अदालत में उनका अगर कोई दरखास्त रहता था तो उसको निष्पादित क्या कह के किया जाता था, रिजेक्ट करके किया जाता था, चाहे उनसे बदला लेने का काम किया जाता था। आज जो हस्र, आज जो जजमेंट उन्होंने दिया है, वो मौलिक अधिकार जो एक नागरिक का है, राइट टू रिलीजन का, राइट टू स्पीच का, उस दोनों का हनन करने की बात आ रही है सामने में। हमको अपना धर्म मानने का पूरा स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म को मान सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी धर्म को मानने के लिए, उसका प्रचार कराने के लिए आप हमको बाध्य नहीं कर सकते हैं। हमारी स्पीच की जहां तक बात होती है, हमने एक फॉरवर्ड किया मैसेज का, अगर आप उस मैसेज को देखने का काम करेंगे तो बात इतना ही खाली आया था उसमें, जहां तक मेरी जानकारी में है कि एक महिला, एक बच्ची ने एक फॉरवर्ड, उसके पास मैसेज आया था जिसको उसने फॉरवर्ड किया था, वो मैसेज ये था कि जो मॉब ब्लीचिंग की जो झारखंड में बात हो रही है तो उसमें कोई बात कहा गया था, तो इसने शायद उसको फॉरवर्ड किया था कि खाली आतंकवादी बनने की बात होती है तो एक समुदाय में काय होती है। हमको भी बहुत चोट पहुंचती है, हमारे पे भी बहुत बार वार होता है, हम पे भी किसी तरीका का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन हम लोग आतंकवादी बनने की बात नहीं करते हैं। यही कोई एक मैसेज ऐसा था जो उसने फॉरवर्ड किया था, जो इतनी संज्ञान लेने लायक बात भी नहीं थी। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि जो इसके सूचक हैं, इस मुकदमे के जो सूचक हैं, जो अंजुमन इस्लामिया पिठोरिया के जो भी सूचक हैं इसमें, कि एक बच्ची पे इस तरीके का इल्ज़ाम लगाने के पहले उनको भी सोचना चाहिए था। प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने उनको जिस तरीके से कस्टडी में लिया, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। किसी भी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, CRPC में प्रोविज़न है कि 41A का आपको पहले कंप्लाइंस करना है, उसके बाद अरेस्ट का काम करना है। आपने नोटिस देने का काम नहीं किया है। हमारे CRPC में 436 से लेके सेक्शन 436 से लेके 440 में प्रोविजन दिया गया है कि आप किस किस कंडीशन में बेल दीजिएगा, क्या क्या इम्पोज कीजिएगा। वैसे किसी कंडीशन में आज तक ऐसा इम्पोज करने का काम किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है, और CRPC में भी वर्णित नहीं है कि आप इस तरह का किसी को इम्पोज करिएगा। ये तो एक बात हुई कि उस बच्ची के दिमाग में क्या बीत रही होगी,
ये कल्पना करने की बात है। जो बच्ची आज तक नहीं जान पाती है पूरे धर्म समाज को, अगर उसको आप कंपेल्ड करने की बात आ रही है, उसके माध्यम से आप उसको बंटवाने का काम कर रहे हैं, तो ये कोई सोच की बात हो सकती है? हो सकता है अदालत ने बहुत अच्छा सोचा होगा, अदालत ने बहुत अच्छा सोचा होगा और सोच के ये निर्णय दिया होगा, लेकिन उस निर्णय का समाज में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, समाज उस निर्णय को किस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है, ये भी आपको देखने का काम करना होगा। आज उस निर्णय के कारण जो है पूरे रांची नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा भारत नहीं, आज पूरे विश्व में ये चैनल में चलने का काम हो रहा है कि अदालत के द्वारा इस तरह का निर्णय दिया गया है। और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच में जब हम लोग काला कोट पहनते हैं तो ना हम हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। हमारे बीच में जो मुस्लिम अधिवक्ता हैं उन लोगों ने भी इसमें आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या तरह का, किस तरीके का आदेश दिया गया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आश्चर्य खाली हम लोगों को नहीं है, पूरे अधिवक्ता समाज को है कि इस तरह का आदेश कैसे दिया गया है। इसलिए जो निर्णय हमारे एसोसिएशन ने लिया है उसको अधिवक्ताओं को अनुपालन करना चाहिए।